अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है टेम्परामेंट। मीन्स हमारे माशरे में टेम्परामेंट की वजह से बहुत से मसाइल भी बन रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। उससे मतलब कि टेम्परामेंट ऐसा इंसानों का बन गया है कि उससे बहुत ज़्यादा इंसान अग्रेसिव हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे इंसान मुझे मिला के मतलब कि हमारे माशरे में सभी आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंक्लूड करूँगी कि मतलब कि इवन अ सिंगल पर्सन जो छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाते हैं, उससे अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, हम उसका बहुत से नुकसान होते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। मीन्स अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना चाहिए। इस वजह से जैसे अगर कोई इंसान गुस्से में है तो उसकी बातें बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के दिलों पे लगती है। मीन्स के वो बहुत ज़्यादा माइंड करती हैं कि भाई इसने मुझे ऐसा कहा तो कहा ही क्यों। गुस्सा आता भी तभी है जब हम अपने आप को बहुत आला लेवल पे जाके समझें कि हम बहुत अच्छे हैं और सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है। ठीक, तब हम उस पर गुस्सा करेंगे। हमें ये नहीं समझना चाहिए, कभी दूसरे को कमतर नहीं समझो और ख़ुद को कभी भी इतना बालातर ना लेके जाओ कि आप मतलब कि गुमराह ही हो जाओ। ठीक है, और इतने अग्रेसिव हो जाओ इस बात को लेके कि अगले बंदे को किसी बात का पता ही नहीं है। ठीक, वक्त के साथ साथ सब इंसान समझ जाते हैं और अपने टेम्परामेंट को भी संभालना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इससे रेलिवेंट एक बात है। एक बच्चा था, उसके वालिद को भी ऐसे बहुत परेशानी थी कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मीन्स वो अपना टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो क्या करे। एक दफ़ा उसके माइंड में आया वालिद के कि उसने ना बैग दिया भरा हुआ, नेल से भरा हुआ ना, उससे अपने बेटे को दिया कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुमने इनमें से नेल्स निकालें और थोड़ी सी ना दीवार में लगाने शुरू कर देने। उसने कहा ठीक है। जब अगला दिन आया तो उसने यही अमल किया जो उसके वालिद ने कहा था कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए जितने हो सके नेल्स तुमने ना इसमें लगाने हैं, दीवार में लगाने हैं, हथौड़ी लेके लगाना शुरू कर देने। उसने कहा ठीक है। जब उसे गुस्सा आया तो उसने अपना गुस्सा भी निकालना चाहा। ठीक है, उसने कहा चलो बाप की बात भी मानते हैं। उसने बैग में से नेल्स निकाले, लगाने शुरू कर दिया। थोड़े से हुए, 35 तक की अमाउंट थी कि वो उसका तब तक ना टेम्परामेंट कम हो गया, मीन्स उसका जो गुस्सा था वो कम हो गया, क्योंकि वो नेल्स दीवार में लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। इतने से तो नेल्स काटे हुए हमारे होते हैं, अगर वही दीवार में लगाएं तो बहुत मुश्किल काम होता है। वो अपना गुस्सा भूल जाता और नेल्स लगाने में मगन हो जाता था। यही अमल 2-3 दिन दोहराता रहा और आखिरकार थोड़े दिन बाद उसने ये नोट किया कि जो नेल्स वो दीवार में लगाता था वो बहुत कम हो गया, मीन्स उसका गुस्सा भी कम हो गया, उसे गुस्सा आता ही नहीं था। मीन्स उसकी प्रैक्टिस बन गई थी कि गुस्सा नहीं करना, चीज़ों को समझना है। ठीक, तो ऐसे उसने अपने अब्बा जी को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने 2-4 दिन या हफ्ता मैंने यही अमल रिपीट किया है और इतने मैंने नेल्स लगाए हैं दीवार पे और नेल्स ख़त्म हो गया और मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया। उसके वालिद ने कहा कि अब जो तुमने नेल्स दीवार पे लगाए हैं अब उनको उखाड़ लो, बाहर निकाल दो, दीवार साफ़ कर दो। उसने उखाड़े और दीवार जब साफ़ हो गई तो अपने वालिद को बुलाया कि देख ले मैंने दीवार साफ़ कर दी है। तो वालिद ने कहा कि लुक एट दिस होल, जो तुम सुराख देख रहे हो दीवार पहले ऐसी नहीं थी, मीन्स पहले तो दीवार हमार थी, कोई सुराख नहीं था उनमें। कहते यही अमल हमारे गुस्से में होता है, हम गुस्से में बहुत सी ऐसी बातें ऐसे अमल कर जाते हैं जिससे दूसरों के दिलों पर बहुत असर पड़ता है और फिर वो मतलब कि उन्हें बुरा भी लगता है कि भैया इसने गुस्से में हमें ऐसा क्यों बोल दिया, या ऐसा अमल ना करो कि जिससे अगले बंदे के दिल में कोई ऐसी बात या खराश पैदा हो जाए आपके बारे में। ठीक है, ऐसे ही जैसे दीवार में निशान रह गए ऐसे दूसरे लोगों के दिलों में भी थोड़े से स्कार्स रह जाते हैं जिससे हम अपना करेक्टर लूज कर जाते हैं। अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करें ताकि अपने आप को आप बुरा बनने से बचा लें। अच्छे इंसान की निशानी होती है कि गुस्से को कंट्रोल करता है और गुस्से में खामोशी इख्तियार करता है बजाय इसके कि ज़्यादा बोल के अपने टेम्परामेंट को लूज़ करें। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और आज से अहद करें कि आप अपना टेम्परामेंट कभी लूज़ नहीं करेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे, एतदाल से काम लेंगे और चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।